नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इमानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़े लड़ैयारे। यूपी के चुनावी दंगल में इस बार बहु बेटियों का बोलबाला है। बड़े बड़े सियासी घरानों की बहु बेटियां राजनीतिक विरासत संभालने के लिए मैदान में हैं। फिर चाहे यूपी के सबसे बड़े सियासी घराने यानी समाजवादी परिवार की बहुओं का मामला हो या फिर बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का, बहु बेटियों के भरोसे हर पार्टी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, उनका राज भर ले, दस बारह बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, तस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। यूपी के चुनाव में महिलाओं का दंगल। कहीं बहु दे रही चुनौती। लोगों के जन समर्थन से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और दूसरी बात, मेरा जन्म स्थान कैंटोनमेंट है। मैं उदयगंज की पैदाइश हूँ, मैं लखनऊ की बेटी हूँ, उसके बाद इटावा की बहू। कहीं पत्नी दिखा रही कमाल। अगर मैं जीत गई तो डेफिनेटली मैं महिलाओं के लिए कुछ करूंगी, सरोजनी नगर की जनता के लिए कुछ करूंगी। कहीं मैदान में उतरी बेटी। आप कितनी सड़कें बना लें, रिपेयर वर्क हमेशा रहेगा, डामीकरण हमेशा कराना पड़ेगा, स्कूल बनवाए तो और अच्छे और अधिक स्कूल बनवाने होंगे, काम कभी खत्म नहीं होता, हमेशा हम लोग को काम करना होगा। तो कहीं रण में आई रानी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे अपने कर्मों की वजह से हमको जिताएं। यूपी के घमासान में ये बहु बेटियां सीधे तौर पर जंग में उतरी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ रही लेकिन इस जंग में बड़ी भूमिका निभा रही है। डिंपल बनी है स्टार प्रचारक। मावेल सरकार ने बहुत कार्य किए महिलाओं के लिए और आने वाले समय में जो हम घोषणा पत्र लेके आए हैं उसमें भी ऐसे बहुत कार्य करेंगे। तो प्रियंका ने लिखी गठबंधन की कहानी। यूपी के दंगल में महिलाओं ने दिखाया दम। यूपी के दंगल में उतरी महिलाओं में सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार की बहुओं की है, यानी मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव और अपर्णा यादव। अपर्णा लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो डिंपल यादव चुनाव भले ही नहीं लड़ रही लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। यूपी के चुनावी रण में उतरी महिलाओं में सबसे ज्यादा सुर्खी इन दो बहुओं को ही मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने की बड़ी बहू यानी डिंपल यादव सियासत की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन अब उनकी छोटी बहू यानी अपर्णा यादव ने भी राजनीति की दुनिया में कदम रखा है। अपर्णा के सियासी सफर की शुरुआत लखनऊ की कैंट सीट से हुई। यहां से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सियासत के पहले कदम पर ही उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी गई जिससे आज तक उनके कुनबे में कोई नहीं निपट सका। पार्टी ने उन्हें लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया है जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है। अब उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी से। इस चुनौती का एहसास भी उन्हें अच्छी तरह से है। अभी मैम कितना मुश्किल होता है घर घर तक पहुंचना, क्योंकि सुबह से आप लगी हुई हैं, लगातार चले जा रही हैं। देखिए मुश्किल कभी तब नहीं लगता है जब इतने सारे लोग आपके साथ हो, इतना ज्यादा आपके पास जन समर्थन हो, लोगों का प्यार है, आप देख ही रहे हैं, आप कवर करते जा रहे हैं। आई थिंक पहली बार कोई ऐसा होगा जो उसके पास
अब डायरेक्टली मिलने गया है। अपर्णा यादव राजनीति के साथ साथ सियासी गीतों में भी पहली बार आई। प्रचार के दौरान उनके साथ पूरा लाव लश्कर चल रहा है। जहां तक गाड़ी से जाना संभव होता है वो गाड़ी में ही खड़े होकर मतदाताओं से मुलाकात करती है, लेकिन जैसे ही गलियां तंग होती हैं, वो पैदल ही दरवाजे दरवाजे जाकर खुद को मतदाताओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जन समर्थन से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और दूसरी बात, मेरा जन्म स्थान कैंटोनमेंट है, मैं उदयगंज की पैदाइश हूँ, मैं लखनऊ की बेटी हूँ, उसके बाद इटावा की बहू हूँ। अपर्णा यादव की शादी 4 दिसंबर 2011 को मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव से हुई थी। प्रतीक राजनीति से दूर रहकर अपना बिजनेस करते हैं। नामांकन के दौरान अपर्णा ने 23 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति दिखाई, जिनमें उनके पति प्रतीक यादव की 5 करोड़ 23 लाख की लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है। अपर्णा जानती है कि उनके संपत्ति को विपक्षी मुद्दा जरूर बनाएंगे, इसलिए संपत्ति को लेकर हर सवाल का जवाब उनके पास एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह है। चुनावी हलफनामे में एक बहुत बड़ी गाड़ी आपने दिखाई है अपने पास, उस बहुत बड़ी गाड़ी से छोटी गलियों में आना। मैंने नहीं दिखाई है, वो मेरे हस्बैंड ने दिखाई है। चुनावी हलफनामा पति और पत्नी दोनों का होता है, आपको मेरा चेक करना चाहिए और मेरे पति का। मेरे पति एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाली अपर्णा की शख्सियत का एक और पहलू है, वो एक अच्छी शास्त्रीय गायक भी है। अपर्णा लखनऊ कैंट सीट को जीतने की कोशिश में जुटी है, तो बड़ी बहू डिंपल यादव ने पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रचार की कमान संभाल रखी है। डिंपल को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। मोदी सरकार ने बहुत कार्य किए महिलाओं के लिए और आने वाले समय में जो हम घोषणा पत्र लेके आए हैं उसमें भी ऐसे बहुत कार्य करेंगे। समाजवादी खानदान की दोनों बहुओं ने पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया है, लेकिन दोनों की सियासत का तरीका बिल्कुल अलग है। अपर्णा पार्टी लाइन से हटकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुकी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद देने की तस्वीरें सियासी गलियारों में हलचल मचा चुकी है। यही नहीं, इस चुनावी मौसम में अपर्णा ने आरक्षण पर ऐसा बयान दिया जो समाजवादी पार्टी की लाइन से हटकर था। लेकिन बड़ी बहू यानी डिंपल यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद नपातुला था। अपर्णा यादव ने भी रिजर्वेशन की बात की, इकोनॉमिक कैटेगरी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो उनकी खुद की राय है और जो हम समाजवादियों का जो कहना है, जो हमारे सिद्धांत है, हम उसी पे चलेंगे। जो लोहिया जी ने कहा था, हम उन्हीं सिद्धांतों पे आगे बढ़ेंगे। अपर्णा शिवपाल गुट की करीबी मानी जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर डिंपल और अपर्णा में अभी तक कोई विवाद नहीं दिखा है। पिछले दिनों मुलायम कुनबे में मची कलह के दौरान भी दोनों बहुओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस तरह समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए देवरानी जेठानी ने अपने अपने तरीके से पूरी ताकत लगा दी है। अपर्णा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह की बहू है, तो उनके विरोध में खड़ी रीता बहुगुणा जोशी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी है। इस तरह बहू और बेटी की टक्कर ने लखनऊ की कैंट सीट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। लखनऊ कैंट सीट पर 1957 से लेकर 1991 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1991 में बीजेपी ने ये सीट जीती और 2012 तक कब्जा जमाए रखा। 2012 में एक बार फिर से कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी ने ये सीट जीती और वही रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की टिकट पर इस बार चुनाव मैदान में है और ऐसे में अपर्णा के सामने चुनौती है एक नया इतिहास बनाने की। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़े लड़ैया रे। यूपी के चुनावी रण में बहू बेटियों के साथ साथ राजघरानों की रानियां भी उतरी हैं। ये अपने अपने इलाके में अपनी मजबूती का पूरा एहसास दिला रही हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है अमिता सिंह और गरिमा सिंह का। अमेठी राजघराने की विरासत को लेकर दो दशकों से चल रही इन दोनों की जंग इस बार सियासत के मैदान में भी है।
यूपी के रण में उतरी महिलाओं में ये दो चेहरे हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर आमने सामने हैं। इनकी लड़ाई सियासत के साथ साथ विरासत की भी है, क्योंकि ये दोनों अमेठी राज घराने से जुड़े चेहरे हैं। यह है अमिता सिंह, जो कांग्रेस नेता राजा संजय सिंह की दूसरी पत्नी हैं, और ये हैं गरिमा सिंह, जो संजय सिंह की पहली पत्नी है। महारानी गरिमा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेठी राज घराने की विरासत को लेकर इन दोनों के बीच पिछले दो दशकों से जंग हो रही है। इस बार राजमहल का दंगल सियासी रण में बदल चुका है। कांग्रेस ने जहां अमिता सिंह को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने चालाकी से संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। मैं चुनाव मैदान में हूं, पार्टी देख करके मेरे सामने तीन पार्टियां लड़ रही हैं। मेरी कांग्रेस पार्टी है। हम अपना समझते हैं, अपना कार्य समझते हैं, हम अपने कार्य के प्रति वफादार हैं। अमेठी राजघराने की विरासत की इस लड़ाई में संजय सिंह को अपने नए प्यार पर ज्यादा भरोसा है। वो अमिता को ही असली रानी बताते हैं, लेकिन अपने पुराने प्यार यानी पहली पत्नी गरिमा सिंह के खिलाफ सीधे कुछ भी कहने से बचते भी हैं। एक महल से एक ही रानी है और दो रानी नहीं है, रानी वो होती है जिसके बगल में राजा होता है। रानी के नामांकन के लिए राजा उनके साथ ही पहुंचे। इसके बाद राजा और रानी जब जनता से मिले तो दोनों का जयकार शुरू हो गया। भारती सुकंठ में प्रकाश की तरह रहे, आपके सुमित्र वर्ग ईश्वर बढ़ाए, मेरी जन पावक प्रकाश में जला करें, अमेठी राजा की जय। अमेठी में संजय सिंह का रुतबा एक राजा की तरह है, इसीलिए उन्हें देखकर उनकी शान में कसीदे तक पड़े गए। लक्ष्मी स्तय पंकजाक्षी नूतन भवने भारती कंठ देशे वर्धनताम बंध वर्गा प्रबल रिपुगा यांत पाताल मूले देशे देशे सुकूर्ति प्रबोध पौणेन्द्र इंदु कुंद सुब्रताम जीवताम पुत्र पौ सदन परमिते भोजते राज लक्ष्मी भाव। आज संजय सिंह भले ही अमिता के साथ खड़े हों, लेकिन उनकी सल्तनत में अब भी कुछ लोग हैं जो पुरानी रानी यानी गरिमा सिंह को ही असली रानी करार देते हैं। क्यों शादी नहीं की उनसे? शादी किए थे, रानी तो सही उन्हीं है, गरिमा सिंह। सियासी दंगल में जीत का सहरा पहनने के लिए गरिमा सिंह अपनी बेटी के साथ गांव-गांव में घूमकर सफाई कर रही हैं। वो जहां भी पहुंच रही हैं, उनका स्वागत किसी महारानी की तरह ही होता है। रण एक राजा की दो रानियों का है, लेकिन राजनीति के मैदान में उतरने के बाद वार का तरीका सियासी हो गया है। चुनाव मैदान में चार पार्टियां हैं और ये सदैव की तरह चार पार्टियां हैं। जिस विचारधारा ने यहाँ पे कोई उन्नति नहीं की, जिस विचारधारा ने लोगों का दुख नहीं, कष्ट नहीं दूर किया, तो उस विचारधारा से ही हमारी लड़ाई है। अमेठी के इस राजसी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति भी खुल चुके हैं। उनका मुकाबला राजघराने से है, इसीलिए वो राजमहल पर ही हमला बोलते हैं। राजघराना अमेठी की जनता को कलंकित किया है। अमेठी का किसी भी गरीब की आंसू पोछा हो तो एक बता दे। अमेठी के करीब ही दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली। विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भी एक महिला ने मजबूत दावेदारी पेश की है। ये हैं अदिति सिंह। अमेरिका से ग्रेजुएट अदिति यूपी के बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं। एक तरीके से बस एक टैग टाइप का बन गया है ना, जैसे मीडिया वालों को पसंद आता है कि डॉन की बेटी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। अदिति के पिता अखिलेश सिंह ने 5 बार विधानसभा चुनाव में रायबरेली सीट से जीत दर्ज की है। 3 बार कांग्रेस की टिकट पर, 1 बार निर्दलीय और 1 बार पीस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो विधायक बने। साफ है इलाके में पार्टी से ज्यादा उनके रुतबे की धमक है। अदिति के सियासी सफर की शुरुआत इस चुनाव से हो रही है। पिता के कद को देखते हुए उनकी चुनौती भी बड़ी है। वहीं अमेठी में विरासत की लड़ाई लड़ने वाली दो रानियां सियासी दंगल में उतर आई हैं, इसीलिए लड़ाई भी और मजेदार हो गई है। इन्हीं उम्मीदवारों की वजह से अमेठी और रायबरेली की सीटों पर इस बार लोगों की दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और अभी इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।